हेलो स्टूडेंट्स, क्या कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को पता है कि विज्ञान सब्जेक्ट का सिलेबस क्या था? बोर्ड ने जो सिलेबस तैयार किया था वो सिलेबस मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो, ये त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस है। इसमें एक अध्याय मतलब ये जैव विविधता एवं वर्गीकरण आएगा, दूसरा अध्याय पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीसरा है परमाणु संरचना से। इसके बाद डायरेक्ट जो है ना, आगे आओ, देखो नीचे में क्या है, 9वां अध्याय रासायनिक सूत्र एवं मोल संकल्पना से प्रश्न पूछा जाता। इसके बाद कार्य एवं ऊर्जा से प्रश्न पूछा जाता, फिर ध्वनि से, और अंतिम जो है ना ये 16वां अध्याय कोयला पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन, इस टॉपिक से प्रश्न पूछाना था। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो आपका पेपर है वो स्कूल के थ्रू हो रहा है, तो स्कूलों के थ्रू हो रहा है तो स्कूल जो है ना सिलेबस पैटर्न का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है? तो सिलेबस पैटर्न उन्हें पता नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट 1 से लेके 7 तक या 6 तक के ना अध्याय को उठा के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और जो स्कूलों में सिलेबस पैटर्न का ध्यान रख रहे हैं तो वहाँ पे जरूर पूछ लेना कि कहाँ तक प्रश्न पूछ रहे हैं ना, एक बार अपने टीचर से संपर्क कर लेना। क्योंकि पेपर जब दिलाने जाओगे तो हो सकता है अभी आपका पेपर नहीं हुआ होगा विज्ञान का, तो विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है तो भाई आपका जो पेपर है उसके सिलेबस पैटर्न पूछ लेना। और जिस जगह ना बोर्ड के ही पेपर तर्ज पर पेपर ले रहे हैं तो वो सिलेबस मैंने आपको दे दिया।